साहब और असद उमर साहब आपको प्रेजेंट करें। सो यस, सो प्लीज कम अप ऑन स्टेज, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोड्यूस मैंने करना है स्पीच से पहले। कुछ जरा तालियां हो जाए तो बहुत अच्छा है, कमजोर तालियां हैं, जरा जोर वाली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और दिल से कहूंगी, मैं ये कह लूं, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की आन है आप, हमारे वजीर आजम है आप। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कराबदो या कनस्ताइन। मिसबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको, किसी को ही नहीं पता होगा, मिसबा छोटी सी होती थी जब क्रिकेट मैचें देखने आया करती थी, जिन दिनों में मैं क्रिकेट खेलता था। ये तब से पोटेंशियल तहरीक इंसाफ थी, अभी तहरीक साहब बनी नहीं थी, ये पहले से तहरीक इंसाफ में थी। मैं आज SIDCL जावेद कुरैशी, आपको और असद उमर खास तौर पे, आपको और इमरान इस्माइल आपको, कि आपने जिस जज्बे से ये परसू किया, ये ग्रीन लाइन और कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को भी, तो मैं खास तौर पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पहली चीज तो कोई भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। और अगर आप मॉडर्न सिटीज को देखें, और जो हमने अपनी आंखों के सामने खास तौर पे चाइना के जो शहर देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी आबादी वहां रहती है, और वो इसलिए वो शहर कामयाबी से चलते हैं क्योंकि उधर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और जिस तरह अभी असद उमर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। हर मुल्क के अंदर एक ऐसा शहर होता है जो सारे मुल्क को चलाता है। मसलन लंदन है, वो बरतानिया को चलाता है। लंदन जब उसमें खुशहाली आती है तो सारे बरतानिया में उसका इफेक्ट जाता है। न्यूयॉर्क, खैर अमेरिका बड़ा मुल्क है, लेकिन न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिका पे, और उसी तरह पेरिस का फ्रांस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो पाकिस्तान के लिए कराची को फंक्शनल करना, कामयाब करना, खुशहाल करना, इसका मतलब यह कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। और कराची की जो ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल असद उमर आपने ठीक कहा कि इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। और ये एक पहला कदम है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जिस तरह असद उमर ने आपको डिटेल्स में बताया कि इंशाल्लाह जनवरी के मिडल तक ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगी। आज शुरू है, ट्रायल रन होगी और फिर ये शुरू होगी। लेकिन मैं आगे भी जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, कराची को हमने अपनी जिंदगी 50 साल से मैं कराची को देख रहा हूँ, और कराची को हमने ट्रांसफॉर्म होते देखा। यानी जो रोशनियों का शहर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता, बजाय हमने आगे बढ़ते हुए, हमने उसको खंडर बनते देखा। और उसकी वजह है कि कभी भी कराची को का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिया गया। तेहरान चले जाएं आप, चले अपने हमसाए मुल्कों को देख लें, तेहरान के अंदर अगर आपको हैरत होगी कि इतने सैंक्शंस लगने के बावजूद, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहां हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अमेरिका की सैंक्शंस ने उनकी खुशहाली को रोका हुआ है। लेकिन अगर आप कराची को, तेहरान को देखेंगे,
तो आपको एक मॉडर्न सिटी नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि तेहरान की जो मैनेजमेंट है वो मॉडर्न है, उसकी वही मैनेजमेंट है जो कि लंदन की है, जो कि पेरिस की है, न्यूयॉर्क की है। वो एक शहर की जो मैनेजमेंट है वो एक मुल्क की तरह है। सारी जो शहर के अंदर हर किस्म की जो शहर के अंदर सहूलतें दे रही हैं, ट्रांसपोर्ट है, पानी का सिस्टम, सीवरेज, वो सारा शहर खुद प्रोवाइड करता है। पैसा भी वो खुद इकट्ठा करता है, खर्च भी वो खुद करता है। और ईरान का जो तेहरान का, जब मैंने उनसे पूछा कि कितना खर्चा है आपका, कितना आप पैसा इकट्ठा करती है तेहरान, अब ये पीएसडीपी से पैसा नहीं आता, ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड से नहीं, तेहरान सिर्फ तेहरान खुद ही पैसा इकट्ठा करता है और 500 मिलियन डॉलर है, 500 मिलियन डॉलर इकट्ठा करता है तेहरान, और इसलिए वो मॉडर्न सिटी है सैंक्शन के बावजूद। उसके मुकाबले में कराची में देखें कितना पैसा इकट्ठा होता होगा, मैंने कोई अंदाजा लगाया था, एक दफा कैलकुलेट किया था, 30 मिलियन डॉलर भी नहीं है उसमें। तो इसलिए कराची का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कराची में भी ये जो जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं उसका बनना मुश्किल होगा। इसीलिए जो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये जरूरी है कि कराची को ऑटोनोमी दी जाए, यानी कराची जिस तरह तेहरान चलता है, न्यूयॉर्क, लंदन चलता है, उसी तरह कराची की भी जो इलेक्शन हो, जिस तरह हम अब लाहौर की करवा रहे हैं, हम इस्लामाबाद और पेशावर, जो उधर पंजाब में और केपी में इलेक्शंस हो रही हैं, वो एक डायरेक्ट इलेक्शन से एक शहर का मेयर इलेक्ट होगा और वो बिल्कुल इसी तरह शहर को चलाएगा जिस तरह मॉडर्न सिटीज चलती हैं, जिनका मैंने नाम लिया अभी। दूसरी चीज के जो हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जो वादे किए थे, वो मुझे बड़ी खुशी है कि वो सब चल रहे हैं, नाले साफ करने वाले, और ये जो फ्रेट का कॉरिडोर है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारा कराची उस तरफ कंजेशन हो जाती है, वहां पोल्यूशन अलहदा है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है और जिसको मैं खुद वापडा के साथ और वापडा के चेयरमैन के साथ खुद फॉलो अप कर रहा हूं, वो है K4, कराची का पानी का मसला। और ये हमें सबको पता है कि ये जो अजाब आता है कराची के लोगों के ऊपर, और खास तौर पे जो बेचारा गरीब तबका है, उनको जो पानी नहीं मिलता, बेसिक चीज है पानी, तो उसके लिए मैं आपको खुशखबरी ये है, जिस तरह अभी असद उमर ने टाइमलाइंस आपको दी, कि अगले महीने इंशाल्लाह ये अप्रूव होके तो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह ये हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 14-15 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो चुकेगा, तो 2023 में इंशाल्लाह ये आप देखेंगे, अगस्त से लेके सितंबर तक हमारे ख्याल में कि हम कराची तक किंजर लेक से पानी पहुंचा देंगे। और ये क्योंकि मेरा, मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड इस चीज़ की आती थी, तो मुझे इसके लिए तवज्जो भी मेरी पूरी इस पर, और मैं आपको इंशाल्लाह खुशखबरी हम देंगे इसकी जब कराची तक पानी पहुँच जाएगा। उसके अलावा जो दो चीज़ें मैं और सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने एक वो काम किया है पाकिस्तान में जो कि डेवलप्ड मुल्कों में भी नहीं है, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। एक कमज़ोर या गरीब घराने के अंदर सारी रिसर्च एक चीज़ बताती है कि जो घराना गुर्बत की लकीर से ऊपर भी होता है, एक बीमारी की वजह से सारा घर गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाता है, मकरूज हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि अल्लाह कभी मुझे मौका देगा तो एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान में लेके आऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि पहले पख्तूनवा में हमारी हुकूमत थी, उन्होंने शुरू किया, लोगों ने कहा कि खर्चा बर्दाश्त नहीं होगा, और बड़ी इसके ऊपर हमें शुरू में लोगों को शक था कि ये नहीं कामयाब होगा। आज पख्तूनख्वा में सारे खानदानों, जितने भी खानदान हैं पख्तूनख्वा में, सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिल चुकी है। 10 लाख रुपया एक खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद पंजाब में हमने शुरू किया,
थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया और अब जनवरी से लेकर मार्च तक सारे पंजाब के अंदर हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। बलूचिस्तान भी अब तैयार हो गया है, जिधर हमारी हुकूमतें हैं आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, वो भी तैयार हैं, उधर भी वो अब हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे सबके लिए। तो सिंध हुकूमत को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये सूबों ने सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि सिंध के लोगों को भी ये राइट होना चाहिए कि वहां भी फैमिलीज के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, और खासतौर पर गरीब लोगों के लिए, उनके लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और इसके अलावा जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूं बंडल आइलैंड की, जो ये कराची के पास जजीरा है, ये बहुत जरूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसमें जो इन्होंने एनओसी दे के वापस ले लिया था, इससे सबसे ज्यादा सिंध को फायदा है, सिंध सबसे ज्यादा इससे गेन करेगा, इसमें सबसे ज्यादा नौकरियां सिंध में जाएंगी, एक मॉडर्न शहर बनेगा, क्योंकि शहर हमारे फैलते जा रहे हैं, जितने शहर फैलते जाएंगे उतना ही ज्यादा मुश्किल है सीवरेज सिस्टम वेस्ट डिस्पोजल उधर प्रोवाइड करने का, इसलिए जरूरी है कि एक मॉडर्न शहर बने और मॉडर्न शहर जो ऊपर जाए, जिस तरह दुबई है, जिस तरह न्यूयॉर्क है, जो मॉडर्न शहर है, क्योंकि ये अगर फैलते गए सीवरेज सिस्टम और पानी और ये सब कुछ अम्यूनिटीज ना ये सप्लाई कर सकेंगे, फिर हमारे जो अनाज पंजाब वगैरह में हमारी फूड सिक्योरिटी के आगे इश्यूज आ जाएंगे, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमने लोगों के लिए उनके लिए अनाज उगाना है, तो वो जमीन जाया, वो शहरों के अंदर आती जा रही है जमीन, इसलिए ये मॉडर्न सिटीज जो लाहौर में हम बना रहे हैं रावी सिटी, वो एक नया शहर है, उसमें फिर हमने दरख्त उगा रहे हैं, उसकी पूरी एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, ताकि लोगों के लिए वो प्रॉब्लम्स ना हो जो आज लाहौर में हैं, क्योंकि लाहौर फैलता गया, किसी ने सोचा ही नहीं, अब पोल्यूशन के बड़े बड़े सिवियर प्रॉब्लम्स हैं लाहौर में, तो इसीलिए कराची को भी, और कराची में भी पोल्यूशन के लेवल्स बहुत ऊपर है, यहां भी जरूरत है कि आपके एक मॉडर्न सिटी बने जो ऊपर जाए, और साथ फिर आप उसकी वेस्ट डिस्पोजल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज लगे, तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि सारा फायदा सिंध को है, फेडरल गवर्नमेंट को तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो आएगा जो हमें फायदा करेगा, वो भी पाकिस्तान को फायदा है, तो दो हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड ये बड़ा जरूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर शिरकत करें, और जो हम जब चीजें करते हैं तो मैं चाहता हूं कि हम मिलके करें, क्योंकि सिंध के भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे लोग हैं सारे, तो मुझे अफसोस होता है कि जब आटा 20 केजी का बैग यहां 250 रुपया ज्यादा महंगा बिक रहा है बाकी पाकिस्तान से पंजाब से, अगर ये कोऑर्डिनेशन हो तो ये कोई जरूरत नहीं है कि प्राइस का एक ही मुल्क में फर्क हो, और 250 रुपया बड़ा फर्क होता है गरीब लोगों के लिए, तो अगर हम ये कोऑर्डिनेशन करके चलें तो ये हमारे मुल्क का फायदा है। मैं आखिर में फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं SIDCL को, असद उमर आपको, इमरान इस्माइल आपको। कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है, बड़े शहर को चलाने के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट जरूरी है, कराची को मॉडर्न शहर बनाने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मंसूबों पर काम जारी है, आवाम को सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है, सिंध हुकूमत को भी मुस्तफीद होने की दावत देते हैं, बढ़ती आबादी के पेश नज़र बंडल आइलैंड जैसे मनसूबे नागुजीर हैं, बाहमी हम आंगी से काम करके मसाइल पर काबू पाया जा सकता है और आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबे की तकमील में काम करने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा किया। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।